दीपावली, जिसे अमावस्या का त्यौहार भी कहा जाता है, भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है। इस पर्व पर विशेष रूप से माता लक्ष्मी की पूजा का महत्व है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन हमेशा रात में या सूर्यास्त के बाद ही क्यों किया जाता है? इसके पीछे कई धार्मिक, पौराणिक और ज्योतिषी मान्यताएं हैं, जो इस परंपरा को और भी खास बताती हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे शुभ समय प्रदोष काल माना गया है, जो सूर्यास्त के तुरंत बाद का समय होता है। ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी रात्रि में धरती पर भ्रमण करती हैं और उसी समय पूजन करने से वे प्रसन्न होकर भक्तों को समृद्धि और सुख का आशीर्वाद देती है। इसलिए दीपावली के दिन रात में पूजा करना अधिक शुभ और फलदायी माना जाता है। दीपावली के दिन अमावस्या का समय होता है, जब चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता और चारों ओर अंधकार फैल जाता है। इस अंधकार के बीच जब घरों में दीप जलाए जाते हैं, तो यह माँ लक्ष्मी का स्वागत करने का प्रतीक होता है। इसी वजह से दीपावली के दिन रात में पूजा करना ज़्यादा शुभ माना गया है। आप लोगों को मालूम है कि लोगों का प्रश्न है कि आखिर रात में ही क्यों दीपावली मनाई जाती है, क्योंकि बिना दिन के, बिना रात के, बिना अंधकार के प्रकाश का महत्व नहीं होता है। उसी प्रकार दीपावली का भी महत्व रात में इसलिए है क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है तो प्रकाश का एक रूप है, और जिस घर में ज्योति जलाई जाती है, दीप जलाई जाती है दीपावली के दिन, उनके ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा होती है। और माँ लक्ष्मी सरस समुद्र मंथन के दौरान रात में ही प्रकट हुई थी, और अमावस्या के दिन जो भी लोग अपने घर में ज्योत जलाते हैं तो अपने जीवन से सभी प्रकार के अंधकार को मिटाते हैं, ऐसा मान्यता है। उत्तराखंड ऋषिकेश से ईशा बिरोरिया की रिपोर्ट।